वो वक्त कब आएगा जब इस देश के आम आदमी को मुफ्त राशन की ही जरूरत नहीं रहेगी? वही हमारा ड्रीम होना चाहिए, लेकिन उसके तरीके डेडलाइन तय करके नहीं होते हैं जी। उसके लिए एक प्रोसेस होती है। मैं गुजरात का अनुभव बताता हूँ जी। एक बार मेरा बलसाड़ में कार्यक्रम था, तो 18-19 लोग आए जी, और उसका मुखिया था, उसने भाषण किया कि मुझे गरीब नहीं रहना है, तो उनको कारण बताना पड़ता था कि भाई गरीब नहीं मतलब क्या। तो उसने कहा कि हम लोग गांव में हैं, आदिवासी लड़के थे, तो बोले वो भजन कीर्तन भगत की तरह वो बजाते थे जी। तो बोले सरकार के अफसर आए, उसने कहा कि तुम इतना अच्छा बजाते हो तो तुम्हें ट्रेनिंग करें। तो बोले हम लोगों को और चीज़ें उन्होंने सिखाई, ले गए हमको। फिर हमको बैंक से इतना पैसा मिला, बैंक से पैसा मिला तो हमने वो शादी ब्याह में बाजे वाले की कंपनी बना दी है। तो हम 18 लोग हैं और बजाते हैं, और हमको हर जगह पे लोग बुलाते हैं। तो बोले अब हमारे अपना टेम्पो भी है, हम टेम्पो में जाते हैं, और हम प्रति व्यक्ति जितनी इनकम हो गई, अब हमें BPL नहीं रहना है, ये हमारा कार्ड सर। तो ऐसे 8-10 लोग मंच पर आके BPL सरेंडर है ना, गरीबी से मैं बाहर निकला हूँ, उसका मुझे उसका उत्सव, गरीबी से बाहर निकलने का उत्सव। हम क्या करते हैं, गरीब बनाने का कार्यक्रम बनाते हैं। जरूरत करो, हैंड होल्डिंग करो, लेकिन मिजाज पैदा करो, मुझे इससे बाहर आना है। मैं जो घर दे रहा हूँ तब घर नहीं दे रहा हूँ, नए अरमान दे रहा हूँ जी, वो चार दीवारी नहीं दे रहा, नए सपनों का बीज बोता हूँ। उसी दिन उसको लगता है अरे घर मिल गया, या चेयर लानी पड़ेगी, ऐसा करो आज इतना पैसा बचाएंगे, या पर्दा करना पड़ेगा,